हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चार्ट है दीपक नाइट्राइट का। दीपक नाइट्राइट ने आपको अच्छा खासा रिटर्न कमा करके दिया हुआ है, लेकिन इधर के कुछ महीनों में दीपक नाइट्राइट में आपको नेगेटिव रिटर्न मिलता हुआ नजर आया है और अभी फिलहाल कंपनी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर आपको मिलते हुए नजर आ रही है। आइए देखते हैं इस वीडियो में पर्टिकुलरली कौन से लेवल्स हैं जिस पर आपको सचेत रहना चाहिए और अगर उसके नीचे अगर स्टॉक जाता है तो फिर से कौन से लेवल्स हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप देखिए तो दीपक नाइट्राइट की जो आपको जर्नी रही है वो इन पर्टिकुलर लेवल तक गई और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये स्टॉक नीचे आया, लोअर बॉटम बनाते हुए नीचे आया है स्टॉक और उसमें कमजोरी जो आई है वो पर्टिकुलरली अब जो है वो 1775 रुपए पर सिमट गई है स्टॉक की जो प्राइस है इस समय। तो आप लेवल्स अगर देखेंगे तो लेवल्स में आपको नजर आएगा कि स्टॉक जो है वो अक्टूबर 2021 यानी 2021 यानी उसके बाद 2022 अक्टूबर आया और वहां के बाद के लेवल पर ये नहीं पहुंची और वो लेवल था 2950 रुपए। तो 2950 रुपए को आप एक हायर रेंज मान के यहां पर चल सकते हैं। तो वो रेंज जो है अभी तक स्टॉक ने वो कभी भी टच नहीं की है, तो वहां से स्टॉक में कमजोरी ही कमजोरी आपको दिख रही है। तो ये आप लेवल्स देख सकते हैं, उसके बाद स्टॉक जो है वो लगातार कमजोर है और एक सपोर्ट जो जहां से स्टॉक ने पर्टिकुलरली इस पॉइंट से सपोर्ट लेकर के एक रनअप लगाया था वहीं स्टॉक दोबारा टेस्ट करता हुआ आया है। एक बार आने की कोशिश की थी लेकिन यहां से रिबाउंड हुआ था, लेकिन उसके बाद एक बार और इस लेवल पर स्टॉक आ चुका है और इस समय फिलहाल वहीं पर है। एक बार और जब ये लेवल पर आया था स्टॉक तो वो था सत्ताईस जून 2022। तो इस तरह से स्टॉक इस पर्टिकुलर लेवल को फिर से टेस्ट कर रहा है और अगर आप ध्यान से देखें तो अगर स्टॉक ने लेवल टेस्ट किया और होल्ड किया तो यहां ऊपरी स्तर मिल सकते हैं, लेकिन अगर स्टॉक यहां से टूटता है तो आपको यहां जो लेवल्स दिख रहे हैं वो है सीधे 1530। तो अगर आपको यहां पर जो लेवल्स दिख रहे हैं तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो स्टॉक का लेवल है वो है 1530। लेकिन अगर स्टॉक होल्ड करने में सफल रहा तो आपको अच्छे लेवल्स दिख सकते हैं जो कि पर्टिकुलरली जो नियर टर्म्स के होंगे वो होंगे 1935 और उसके बाद अगर आप देखें तो वो होंगे 2133। यानी 1935 के लक्ष्य मिल सकते हैं और साथ में 2135 के लक्ष्य मिल सकते हैं और उसके ऊपर तो आपको ये सब लेवल जो हायर लेवल्स हैं 2200 और 2400 और उसके बाद 2700 के लेवल्स जो है आपको यहां पर दिखाई दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि कंपनी के परफॉर्मेंस पर एक बार नजर डाल दी जाए। तो कंपनी के परफॉर्मेंस में कंपनी ने क्या किया है आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट कंपनी ने 1991 करोड़ के सेल्स पर क्लोज किया है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16% पर सिमटती हुई नजर आई। इनफैक्ट ये सिमटती हुई हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिसंबर 2021 में ये 20% थी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात की जाए तो वहां से 2% का प्लस यहां पर कंपनी ने डिलीवर किया हुआ है क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर काफी ज्यादा हर कंपनी में है। आपने देखा कि सेल्स जो है वो दिसंबर 2021 के तुलना में यहां पे बढ़ता हुआ नजर आया है, लेकिन आप अगर आगे चलेंगे देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहां पे दबाव में है और उसका परिणाम यहां पर नेट प्रॉफिट में भी आपको नजर आएगा। अगर 209 करोड़ रुपए का यहां पर नेट प्रॉफिट कंपनी ने डिलीवर किया जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 242 करोड़ था, तो आप ये देख सकते हैं कि काफी ज्यादा इसमें गिरावट आई है, जो कि 17 रुपए का जो ईपीएस आपका था वो घटकर के 15 रुपए 33 पैसे हो गया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 174 करोड़ से बढ़ता हुआ सेल ये आपका जो नेट प्रॉफिट है ये बढ़ा हुआ है, तो उसमें कुछ राहत है, लेकिन आप पिछले साल के मुकाबले अगर कंपेयर करते हैं तो यहां पर अच्छा खासा यहां पर नेट प्रॉफिट कंपनी का गिरा हुआ है। तो कंपनी दबाव में है, कंपनी एक अच्छी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है, वापसी करने का दमखम रखती है, लेकिन अगर आप देखें तो आपको यहां पे ये नजर आएगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के फ्रंट पर कंपनी इधर के कुछ क्वार्टर्स में जूझती हुई नजर आई है। 30% और 31% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मार्च 2021 और जून 2021 में जो होता था वो घट करके आपको इस समय 16% पर सिमटता हुआ नजर आया। तो
वहां से आप देखेंगे तो 50% यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का जो बिजनेस का जो मार्जिन है वही जो है इंपैक्ट कर गया है। तो यहां पर एक मेजर कंसर्न है कंपनी के लिए, अगर इस पर कंपनी ने काम किया और अच्छे से इसको मैनेज करने में सफल हो गई तो फिर दीपक नाइट्राइट जो है फिर से आपको एक नई टेरिटरी में जाता हुआ दिखाई देगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, दीपक नाइट्राइट के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो मैंने डिस्कस किए। अगर वीडियो पसंद आया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।